हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे हलवा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में तो गाजर का हलवा बनना बनता ही है, तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से गाजर का हलवा बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को 2.5 किलो गाजर लिए हैं, इनको मैंने मतलब मोटा मोटा काट लिया जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में इसको उबाल लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1.5 चम्मच देसी घी और इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और 2 से 3 विसल आने तक हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लेम फुल पर है। तो यहाँ पर हमारी 3 सीटी लग चुकी थी और हमारी गाजर एकदम पक चुकी है और इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। तो मैंने इसको कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि कुकर में अच्छे से बन नहीं पा रहा था और मैश भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको मैशर की हेल्प से इसको मैश कर दिया। इसका पानी सूखने के बाद, जब इसका पानी सूख जाए ना, तब इसके बाद हमें डालना है इसमें 250 ग्राम, 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालनी है। आप चाहें तो जितना आप मीठा पसंद करते हो खाना उतना डाल सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिए जितना हमें अच्छा लगता है मीठा। तो पानी को हम अच्छे से सूखने देंगे क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं ना तो उसमें से ही पानी निकलता है, तो उसको अच्छे से सूखने देंगे। पानी सूखने में कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं तो हमारे यहाँ पे पानी एकदम सूख चुका है और फ्लेम को मैंने हाई पर ही रखा है, लो पर नहीं कराया है। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है, फुल फैट दूध है यहाँ पर मैंने लिया है। दूध मैंने डाला है 2 किलो, 2 किलो से थोड़ा सा कम डाला है मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं इसमें बाद में मलाई भी ऐड करूँगी। ये सारा दूध सूखने में कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा। और हलवे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अगर हम इस स्टेज पर हलवे को छोड़ देंगे तो वो नीचे लग जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगी जलने की। तो इसको चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिक, थोड़ा सा थिक होने लगा है हमारा हलवा। तो इसी तरीके से इसको हमें चलाते रहना है और कुछ आधा घंटा और लगेगा ये बनने में। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ इस स्टेज पे आपको संभाल संभाल कर ध्यान से इसको चलाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है। तो इसीलिए आप हो सके तो किसी चीज़ का आप प्रोटेक्शन लें। तो यहाँ पे मैंने जो बची हुई मलाई थी ना मैंने निकाल दी थी, तो वो भी ऐड कर दी है। इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप मावा इसमें ना डालते हो तो मलाई से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। इसको मैंने 4 चम्मच देसी घी में मतलब रोस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और मखाने लिए हैं। आप चाहें तो अपने जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो इन सबको रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम डालने के बाद 15 मिनट तक हलवे को रखेंगे। अगर आपको थोड़ा गीला पसंद तो आप गीला भी रख सकते हैं, वरना आप इसी तरीके और इसको सुखा सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा हलवा एकदम बन गया, रेडी हो चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए और खा लीजिए हमारे गाजर का हलवा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए बाय बाय।